स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टैटिस्टिक्स पीरियड. नाउ वी विल कंटिन्यू द लेक्चर सीरीज ऑन मीन ऑन मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. इन द प्रीवियस वीडियो स्टूडेंट्स, वी डिस्कस्ड अबाउट द मीन, द फॉर्मूलाज ऑफ मीन, कंबाइंड मीन, और उस पर बेस्ड हमने मल्टीपल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किए थे. आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो हम करेक्टेड मीन का करेंगे एंड ज्योमेट्रिक मीन का करेंगे. सो लेट्स बिगिन विद इट. The mean of the series x1, x2, xn is x bar. If x2 is replaced by lambda, then the new mean be what? क्या है कि आपका जो गिवन सीरीज है x1, x2, xn, उसका मीन क्या है? x bar है, right? So simply हमने यहाँ पर x bar की definition जब आप लगाएंगे तो ये आपका x bar होता है, और जो summation of x आया वो आपका आ गया n of x bar. Now this summation x, it is incorrect. ठीक है, ये इनकरेक्ट समेशन ऑफ एक्स है. क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में आगे जब आप देख रहे हैं तो वो क्या है, एक्स टू इज रिप्लेस्ड बाय लैम्डा. मतलब यहां पे जो एक्स टू है उस टर्म को अगर लैम्डा से रिप्लेस कर दिया जाए तो न्यू मीन क्या होगा. ठीक है, तो अभी आपकी जो ऑब्जर्वेशन थी स्टूडेंट्स वो ये थी, और उसका मीन था एक्स बार. क्वेश्चन में ये गिवन है. तो सपोज अगर हम कहते हैं कि x2 जो है वो रॉन्ग वैल्यू है ना, और इस x2 को आपको रिप्लेस करना है करेक्ट वैल्यू से. वो करेक्ट वैल्यू क्या है? आपकी लैम्डा. ठीक है, तो अभी हमें क्या निकालना है? करेक्टेड समेशन x निकालना है. तो सबसे पहले जो इनकरेक्ट समेशन x है उसमें से ऑब्वियसली रॉन्ग वैल्यू को आप क्या करेंगे? माइनस करेंगे. तो रॉन्ग वैल्यू क्या थी? x2 थी, तो आपने उसको माइनस किया. और करेक्ट वैल्यू को आप क्या करेंगे? ऐड करेंगे. ठीक है, तो इनकरेक्ट समेशन x स्टूडेंट्स किसके इक्वल था? एन एक्स बार के इक्वल था, माइनस x2 एंड प्लस x1. तो अभी हमें, मैं आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ, बट वैसे आपका कॉन्सेप्ट जब आप क्विकली सॉल्व करेंगे तो आपको पता हो, मतलब एन एक्स बार रॉन्ग वैल्यू को माइनस करते जाना है और करेक्ट वैल्यू को ऐड करते जाना है. अब आपको न्यू मीन निकालना है स्टूडेंट्स. तो न्यू मीन क्या होगा? करेक्टेड समेशन एक्स क्या था आपका? एन एक्स बार माइनस x2 प्लस लैम्डा डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. तो ऑब्जर्वेशंस तो वही रहने वाली है. ठीक है, क्योंकि हमने x2 को सिंपल रिप्लेस किया, x2 की जगह हमने लैम्डा को लिया है, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस विल रिमेन द सेम. तो करेक्ट मीन क्या आया या न्यू मीन क्या आया, ये आपका आंसर होगा. सो लुक आउट फॉर दिस आंसर, एन एक्स बार माइनस x2 प्लस लैम्डा डिवाइड बाय n. तो दिस इज अ आंसर. ऑप्शन में देखिए प्लस x2 भी है, बट अब लॉजिकली जिस वैल्यू को हटाना है उसको आप ऑब्वियसली माइनस करेंगे, और जिसको लेकर आना है उसको आप क्या करेंगे? ऐड करेंगे. तो ये आपका न्यू मीन आ गया. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, द अरिथमेटिक मीन ऑफ n ऑब्जर्वेशंस इज x बार. इफ द सम ऑफ n माइनस 4 ऑब्जर्वेशंस इज k, देन द मीन ऑफ द रिमेनिंग ऑब्जर्वेशन. नाउ दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, और मैं आपको इसको सॉल्व हम करेंगे और विद द टेकिंग द हेल्प ऑफ द नंबर्स. नंबर्स की हेल्प से समझेंगे और क्विकली कर लेंगे. तो अभी यहां पे सो स्टूडेंट्स देखिए क्या है, n ऑब्जर्वेशंस का मीन आपको x बार गिवन है. ठीक है, तो सपोज यहाँ पे n को हमने 7 ले लिया. ठीक है, हमारे पास 7 ऑब्जर्वेशन है, यह हमने लेट किया है, और उसका मीन x बार है. क्वेश्चन में बोला है कि इफ द सम ऑफ n माइनस 4 ऑब्जर्वेशन इज k, तो n माइनस 4 कितना होगा स्टूडेंट? 7 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 3. तो 3 ऑब्जर्वेशन. सो स्टूडेंट्स यहां पर देखिए क्या है, n माइनस 4 ऑब्जर्वेशन का सम आपको k दिया हुआ है. ठीक है, तो बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने यहां पर क्या किया है, n को अज्यूम कर लिया. कोई भी आप नंबर अज्यूम कर सकते हैं, 7, 8, 9 कुछ भी अज्यूम कर लीजिए, और यहां पर आपने n माइनस 4 निकाल लिया तो 3 आ गया. तो 3 ऑब्जर्वेशन का सम आपको क्वेश्चन में गिवन है k. आपसे क्या क्वेश्चन पूछा है, फाइंड द मीन ऑफ द रिमेनिंग ऑब्जर्वेशन. मतलब कि आपको रिमेनिंग ऑब्जर्वेशन का मीन निकालना है. तो आपको क्या निकालना है, x4, x5, x6 और x7 का मीन निकालना है. ठीक है, सो स्टूडेंट्स व्हाट आई हैव रिटन ओवर हियर इज, पहले आप इसको देखिए. यहां पर मैंने ये लिखा है कि आपका मीन का डेफिनेशन क्या होता है, ये जो x बार टोटल मीन था, तो इसका मतलब आप सारी वैल्यूज को ऐड करेंगे डिवाइड बाय 7, ये मीन का डेफिनेशन होता है. ठीक है, 7 हम इधर ले जा रहे हैं
और एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री आपको क्वेश्चन में क्या गिवन था, के गिवन था, तो आप इसको के लिख लीजिए, प्लस आपके पास हो गया एक्स फोर प्लस एक्स फाइव प्लस एक्स सिक्स प्लस एक्स सेवन, ठीक है। तो आपके पास ये आंसर क्या आ गया स्टूडेंट्स, इसका सम क्या आ गया, ये आ गया। आपको इसका मीन निकालना है, तो मीन मतलब आप क्या करेंगे, कितनी ऑब्जर्वेशंस है, फोर ऑब्जर्वेशंस है, तो आप क्या करेंगे इसको फोर से डिवाइड कर देंगे, तो ये मीन आ गया फोर ऑब्जर्वेशंस का, ठीक है। तो अब यहाँ पे एन क्या था, सेवन था, तो ये तो क्या हो जाएगा आपका एन एक्स बार माइनस के, और ठीक है एन एक्स बार हो गया और डिवाइड बाय फोर हो गया, तो ये क्या हो जाएगा आपका मीन हो जाएगा इन बची हुई जो चार ऑब्जर्वेशन है उनका, ठीक है। तो अब आपने इसको जनरलाइज कर दिया, तो आंसर आप सर्च आउट करिए, एन एक्स बार माइनस के डिवाइडेड बाय फोर, तो ये आपका आंसर हो। तो आप ऐसे कोई सा भी नंबर लेट कर लीजिए जब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि एन माइनस फोर जो है वो बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है। फॉर 100 कैंडिडेट्स द मीन वॉज फाउंड टू बी 40, 100 मतलब टोटल नंबर ऑफ एन दिया हुआ है आपको, एन 100 दिया हुआ है, उसका मीन दिया हुआ है आपको 40। लेटर ऑन इट वॉज डिस्कवर्ड दैट अ वैल्यू 45 वॉज मिस रीड एज 54, तो लेटर ऑन क्या फाइंड किया जाता है कि जो 45 वैल्यू थी उसको गलत पढ़ लिया, 54 पढ़ लिया। तो क्वेश्चन जब हम रीड कर रहे हैं तो हमें क्या समझ में आ रहा है कि जो रॉन्ग वैल्यू है वो तो 54 थी और जो करेक्ट वैल्यू हमें क्या लिखना था, 45 था, तो आपको करेक्टेड मीन निकालना है। तो अभी अभी मैंने आपको क्या समझाया था स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वाला ध्यान है करेक्ट समेशन एक्स वाला, तो हम क्या करेंगे, हम सीधे समेशन ऑफ एक्स निकालेंगे जो इनकरेक्ट वाला होगा, तो वो कैसे निकलता है, एन इंटू एक्स बार, क्वेश्चन में मीन 40 है और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपके, तो ये हो गया आपका 4000। फिर आपको क्या निकालना है, करेक्टेड समेशन एक्स, तो करेक्टेड समेशन एक्स कैसे निकलेगा, आप इनकरेक्ट लिख लीजिए, रॉन्ग वैल्यू को आपको माइनस करना है, तो रॉन्ग वैल्यू स्टूडेंट्स क्या है यहाँ पे 54 है और करेक्ट वैल्यू आपके पास क्या है 45 डिवाइडेड बाय टोटल ऑब्जर्वेशंस 100, तो ये आपका करेक्टेड आ जाएगा, मीन आ जाएगा, ठीक है। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4000 माइनस 9 एंड डिवाइडेड बाय दिस इज 100, तो ये आपका आ गया 3991 डिवाइडेड बाय 100 एंड दिस कम्स आउट टू बी 39.91 शुड बी द आंसर। तो आंसर देखिए इसमें 39.91, दिस इज अ आंसर, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू ज्योमेट्रिक मीन, क्विकली रिवाइज करेंगे ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है। देखिए स्टूडेंट्स, ज्योमेट्रिक मीन होता है अगर आपके पास n ऑब्जर्वेशंस हैं, सबसे पहले तो आप प्रोडक्ट करेंगे, फिर आप करेंगे nth रूट करेंगे, ठीक है। क्या बोला मैंने, nth रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ n ऑब्जर्वेशंस, दैट इज नोन एज अ ज्योमेट्रिक मीन। अभी हम और अच्छे से समझते हैं, सपोज आपके पास कोई फोर ऑब्जर्वेशंस है, तो फोर ऑब्जर्वेशंस है तो क्या हो जाएगा, x1, x2, x3, x4, अगर चार ऑब्जर्वेशंस है तो 1/4 हो जाएगा, है ना, फोर्थ रूट आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो कैलकुलेशन में हमारे लिए ये इजी रहता है इस तरह से लिखना, और ये जो टर्म्स है वो प्रोडक्ट में होती है, दिस इज नोन एज अ ज्योमेट्रिक मीन। तो अल्टीमेटली हमें क्या याद रखना है, जितनी ऑब्जर्वेशंस है उतना ही रूट लेना है आपको, उसको ही हमें उतनी रूट लेनी है, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं, यहाँ पे क्या है, ज्योमेट्रिक मीन निकालना है। तो अब देखिए यहाँ पर कितना है, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 ऑब्जर्वेशंस है, अगर 5 ऑब्जर्वेशंस है तो हम क्या करेंगे, 1/5 रूट ले लेंगे, 1/5 ले लेंगे, है ना, और वो क्या ऑब्जर्वेशंस है, 4 × 5 × 10 × 20 × 25, इसका ज्योमेट्रिक मीन निकालना है। तो स्टूडेंट्स देखो कैसे निकालते हैं, 5 है ना, तो देखो यहाँ पे इसको आप लिखो, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ब्रेक कर दो बिल्कुल, 2 स्क्वायर हो गया ये, 5 ऐसे लिखा, ये 5 × 2 हो गया, है ना, ये कितना हो गया, 4 × 5 हो गया, और ये कितना हो गया, 5 स्क्वायर हो गया, ठीक है, 2^1/5, तो ये कितना आ रहा है, बेस सेम है तो इनको ऐड करिए, तो ये 5^5 आ गया, है ना, और इसको देखो 2^3 × 4 मतलब 2^5, तो 2^5, 2^5 देखो ऐसे है, ये ऐसे आया, है ना, तो आप इसको 2 लिख सकते हैं,
तो जब आप सॉल्व करेंगे तो 5 × 2 दैट इज इक्वल टू 10। तो आंसर देखिए, दिस विल बी द आंसर। द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स बी व्हाट। तो अभी हमने देखा कि यहाँ पे टोटल नंबर्स कितने हैं, एन है। तो अगर एन है तो आप सबसे पहले इसको 1/n लिख लीजिए। अब आपको फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स लेना है, तो मतलब यहाँ पर आप इसको कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे 1, 2, 3, 4 अप टिल n, है ना। अब यहाँ पे जब आप ऑप्शंस में गए तो आप देख रहे हैं फैक्टोरियल भी आपको नजर में आ रहा है और ऐसे भी आ रहा है। तो स्टूडेंट्स, अब ये जो है ना, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, एन फैक्टोरियल। यस, एन फैक्टोरियल उसी का फॉर्मूला है। एन फैक्टोरियल को कैसे लिखोगे, एन इंटू एन माइनस वन, एन माइनस टू, एन माइनस थ्री, कहाँ तक जाएगा, 1 तक जाएगा। तो ये हो गया एन फैक्टोरियल टू दी पावर 1/n। तो ये आपका ज्योमेट्रिक मीन हो गया फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का। तो दिस विल बी योर आंसर। देखो ऑप्शन में एन भी है टू मेक यू कन्फ्यूज। तो लेकिन आपको मैंने क्या सिखाया है कि आपको पहले ही ये लगा देना है। द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ द सीरीज। तो एन टर्म्स है तो सबसे पहले एन टर्म्स है तो आप सबसे पहले 1/n लिखिए। अब आपको ज्योमेट्रिक मीन निकालना है इसका, ठीक है। तो आप कैसे लिखोगे, a r square a r n, ठीक है। अब देखिए a कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, ऑब्वियसली n टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो a की पावर n हो गया, ठीक है। अब आपके पास बचा r। देखो बेस सेम है ना, बेस सेम होता है तो पावर्स को आप क्या करते हैं स्टूडेंट्स, ऐड कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए a की पावर n r, n नेचुरल नंबर्स का सम क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1/2 की पावर 1/n। से जब सॉल्व करोगे तो ये इससे कैंसिल हुआ और r, यहां से n कैंसिल हुआ तो ये हो गया n प्लस 1/2। तो यहाँ पे अपन ने कुछ नहीं किया, ये बेसिकली gp वाली सीरीज है, उसको हमने सिंप्लीफाई किया। तो a r की पावर n प्लस 1/2 विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, ज्योमेट्रिक मीन हमें ये निकालना है। तो सबसे पहले आपने यहाँ n देख लिया। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हमें याद रखनी है, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन स्टूडेंट्स। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, 1, ये 2 की पावर 1 हो गया। लेट मी राइट इट ओवर हियर। देखिए आपको इसका ज्योमेट्रिक मीन निकालना है। तो मैंने आपको क्या सिखाया कि सबसे पहले आपको यहाँ पर जितने भी नंबर्स हैं उसका रूट लिखना है, nth रूट या n प्लस 1। तो कितने नंबर्स हैं, देखो ये अगर ऐसे होता ना स्टूडेंट्स, तो ये आप क्या लिखते कि हमारे पास टोटल नंबर्स कितने हैं, n है, तो आप यहाँ पे 1/n लिख देते। बट ये ऐसे है एंड दिस कैन बी रिटन एज 2 की पावर 0। यस, 2 की पावर 0 हम लिख सकते हैं। अब आपके पास 0 से n तक कितने नंबर्स हुए, n प्लस 1 नंबर्स हुए। बिल्कुल ध्यान देना है इस बात को, 0 से n तक कितने नंबर्स हुए स्टूडेंट्स, n प्लस 1 नंबर्स हुए। तो आपको जब ज्योमेट्रिक मीन निकालोगे तो 1/n+1 लिखना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स यह मिस्टेक करेंगे। अगर ये ऐसे होता, एक बार फिर से समझिए, अगर ये 1 से n जाता तो आप यहाँ 1/n लिखते, लेकिन ये जा रहा है 1 से यहाँ तक, तो 1 को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं 2 की पावर 0। तो अब ये 0 से n तक जा रहा है, तो 0 से n में टोटल नंबर्स कितने हुए, 1/n+1। अब आपको क्या लेना है इसका, इसका आपको लेना है 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर n। ये हो गया ज्योमेट्रिक मीन, है ना। तो ये तो 1 हो गया। अब बेस सेम है तो आप इसको कैसे लिखेंगे, ऐसे ही लिखोगे ना, ठीक है। अब यहां पर आइए, अब यहां पे n नेचुरल नंबर्स का सम क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1/2 होता है, ठीक है। अब ये n प्लस 1 से n प्लस 1 कैंसिल हो गया, तो 2 की पावर n/2 शुड बी द आंसर। तो आप चेकआउट करें, 2 की पावर n/2 शुड बी द आंसर, दिस विल बी योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द 3 ऑब्जर्वेशंस। तो जैसे ही हमें 3 ऑब्जर्वेशंस आया, हमने ये लिख लिया 1/3। बी 40, 50 and x, तो यहाँ पे दिया हुआ है ऑब्जर्वेशंस 40, 50 and x का। ज्योमेट्रिक मीन आपको क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स, 10 दिया हुआ है, ठीक है। अब आपसे क्या बोल रहे हैं कि x निकालो, तो बहुत बहुत सिंपल है। देखो क्या करना है, इसको सॉल्व नहीं करना है, हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, हमें ऑप्शन रख रख के आंसर चेक करना है। देखो यहाँ पे ऑप्शंस क्या दिए हैं, 1, 2, 4 and half। 1 रखिए, एक्स की जगह 1 रखिए आप। तो जब आप एक्स की जगह 1 रखेंगे तो क्या ये 1/2 के इक्वल आ रहा है क्या, चेक करिए।
आ ही नहीं सकता 1/2 के इक्वल, है ना। तो ये 1/2 के इक्वल नहीं आ रहा, तो 1 नहीं हो सकता। फिर क्या है, 2 है, 2 रखो यहाँ पे, ऑप्शंस चेक करो, 2 रखो और चेक करो 10 के इक्वल आ रहा है क्या, ठीक है। तो वो भी नहीं आएगा क्योंकि 100 हो जाएगा इसलिए, ठीक है। स्टूडेंट्स 4 रखिए, 4 रखेंगे तो आप ये आ जाएगा आपका, तब भी नहीं आएगा, 4 रखने पे भी नहीं आएगा 10। फिर हाफ रखिए, 40 × 50 × 1/2 की पावर 1/3, ठीक है। तो ये कितना आ गया, ये आ गया 20 मतलब हो गया 10 × 10² की पावर 1/3। देखो 10 की पावर 3, तो ये आ गया 10 के इक्वल, 10 की पावर 3 × 1/3, तो दिस इज इक्वल टू 10। तो आंसर क्या हो गया, हाफ हो गया, ठीक है। तो ऑप्शंस में से चेक करना है ऐसे, ठीक है, सॉल्व करने नहीं बैठना है। आप सॉल्व करोगे तो दोनों साइड क्यूब करेंगे। अगर जैसे सपोज आपको ऑप्शंस दिमाग में नहीं आया और आपको इसको सॉल्व करना है, तो कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, आप सॉल्व इसमें दोनों साइड क्यूबिंग कर दीजिए। तो दोनों साइड जब क्यूबिंग करेंगे ना, तो ये हो जाएगा आपका 10 की पावर 3, ठीक है। फिर आपका ये हो जाएगा 10 हो जाएगा, है ना, और ये हो जाएगा आपका x, क्या हो जाएगा 10/20, तो x आ गया आपका हाफ, ऐसे भी। तो ये ऐसे सॉल्व हो रहा है, सॉल्व करना है, ऑप्शंस रखना है, ये आपके ऊपर है। इट डिपेंड्स अपॉन योर कैलकुलेशंस कि आप कितना स्पीडली कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो होप आपको मेरा ये लेक्चर सीरीज समझ में आ रहा होगा। मैंने जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है उसको मैंने ब्रेक किया है, और कंटिन्यूटी अपनी मेंटेन रखिए, लाइक करते रहिए। अगर थोड़ा भी समझ में आ रहा है, मैं आपको बिल्कुल शॉर्टली एंड स्पीडली एंड फास्टली बता रही हूँ, सो दैट आपका जो टाइम है और कैलकुलेशन है वो सेव हो जाए एट द मैक्सिमम लेवल। सो होप यू आर गेटिंग एंड होप दिस इज हेल्पफुल फॉर यू। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल ऑल द स्टूडेंट्स, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।